नमस्कार, राधे राधे। आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। आपने हर कथा में नारद मुनि का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि कौन थे नारद मुनि, कहाँ से आए थे, इनका जन्म कैसे हुआ था, कैसे ये देवलोक के ब्रह्म ऋषि बन गए? अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम नारद मुनि के बारे में जानेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर हर साल नारद जयंती मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार नारद जी ने कठोर तपस्या के बाद देवलोक में ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था। नारद जी को तीनों लोक में भ्रमण करने का वरदान प्राप्त था। नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र और ब्रह्मांड के संदेशवाहक कहे जाते हैं। यह सदा विष्णु भक्ति में लीन रहते हैं। मान्यता है कि नारद जयंती पर नारद जी की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बार नारद जयंती की डेट को लेकर कंफ्यूजन बना है। आइए जानते हैं नारद जयंती की सही तारीख और जन्म कथा। नारद मुनि की जन्म कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में नारद उपबरहण नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। एक बार स्वर्ग में अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। तब उपबरहण स्त्रियों के साथ वहां आए और रास लीला में लीन हो गए। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उपबरहण को श्राप दिया कि उसका अगला जन्म शूद्र योनि में होगा। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उपबरहण का जन्म शूद्रा दासी के घर हुआ। उपबरहण भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे। कहते हैं कि एक दिन एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, तभी अचानक उन्हें भगवान की झलक दिखाई पड़ी, जो तुरंत ही अदृश्य हो गई। ईश्वर के प्रति उपबरहण की आस्था और गहरी हो गई। एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे बालक, इस जन्म में अब तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद होगे। इसके बाद उपबरहण ने भगवान विष्णु का घोर तप किया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद जी का अवतार हुआ। ये थी नारद मुनि के बारे में एक छोटी सी जानकारी। तो अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि हम आपके लिए लाने वाले हैं ऐसी हजारों वीडियोस। राम राम।